आंटी। देखो ना मैं इनमें से कौन सा पहनू, ये या फिर ये, बोलो ना कौन सा पहनू। मिनी आप ये वाला पहनो, ये कलर बहुत सूट करता है आपसे। अंकुर आंटी आप मेरे बाल बना दोगे? हाँ आओ ना। चलो जी आज आपकी कोई न्यू हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं। हो गया, मैं जाऊं क्या? हाँ थैंक यू। चलो चलते हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का मिलन, बट तुम मीनू को प्रॉमिस कर चुकी हो। चलो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। अच्छा ही तो नहीं लग रहा है ना। कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा मन को बहला लेते हैं और मन को बहलाना जरूरी हो जाता है। इससे शायद थोड़ा सा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है हम वहाँ जाएंगे, कोई ऐसी नई जगह होगी जहाँ पे तुम्हें जरूर थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। आपके हाँ करते ही हमारे सारे टिकट्स डबल ट्रिपल स्पीड से सोल्ड आउट। गॉड हैज बीन काइंड, थैंक यू। आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू सर। आज मैं आपका शो लाइव देखने वाला हूँ। आई कांट बिलीव। थैंक यू। दिस इज फॉर यू सर। थैंक्स अ लॉट। कितने अच्छे हैं मेरे पापा, सब लोग आके उनसे हाथ मिला रहे, फोटो खिंचा रहे, फिर भी स्माइल कर रहे हैं। Just a second. उनका पेन गिर गया। पापा आप रुको, मैं लेके आती हूँ। नुपुर उस तरफ कहाँ जा रही है? हमारी सीट तो उस तरफ है बेटा। आई इनवाइट मेरे लिए आया था ना, फिर नुपुर क्यों याद रखेगी कि वीआईपी सीट्स किधर है। नुपुर इस तरफ चले, चल। आई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी भी यहाँ पर चीकू को देखा है। भाभी हम यहाँ समीर को देखने आए हैं, किसी चीकू के लिए संतरे को नहीं। प्लीज सब लोग वहाँ चलिए, आई वॉन्ट कि समीर मुझे अपनी परफॉर्मेंस से पहले ही देख ले। लेट्स गो। आप लोग प्लीज सब जाइए, मैं थोड़ी देर यही वेट करूंगी। इनफैक्ट मैं खुद जाकर देखती हूँ। मुझे पक्का लग रहा है कि वो चीकू थी, आई मीन शायद चीकू ही थी वो। पक्का या शायद, तुम ठीक तो हो ना? देखो नूपुर, हम यहाँ दीपू के लिए लड़का देखने आए हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस चीज में कोई बाधा नहीं चाहिए, समझी ना तुम? लड़का कौन? Come on, Babs. मुझे लगा था कि जोशी फैमिली में सबसे ज्यादा स्मार्ट आप ही हैं, बट आपने तो मुझे आज टोटली डिसअपॉइंट कर दिया। मैं सुबह से नाम रट रही हूँ, समीर खेतान, एंड यू डोंट नो। चलो नूपुर उस तरफ, और अगर यही सब तमाशा करना था तो तुम
भाई क्यों? ताई, अब शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मैं देखती हूँ। कामिनी, तुम सबको लेकर सिट की तरफ जाओ, मैं नूपुर को लेकर आती हूँ। जाओ। चल। नूपुर बेटा, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चीकू हो, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चल बेटा, मिलिन भी आता ही होगा, चलते हैं। कितना हैंडसम है ना माँ, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगी है। सोचिए, जब मैं आईफिल टावर के वहां पे लाइव जाऊंगी और ये मेरे लिए रोमांटिक सा गाना गाएगा तो मेरे फैंस पागल हो जाएंगे। को पता नहीं चलना चाहिए दर्द का, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, फिर गाने में ध्यान भी नहीं लगेगा उनका। म्यूजिक मेरे बेटे की जिंदगी थी और उसकी बीवी और बच्चे, उसकी धड़कन, वो हादसे ने उसे सब कुछ छीन लिया। मम्मी जी, लगता है भगवान जी को भी अपनी मिस्टेक समझ आ गई। तभी तो देखो ना, पहले उस बच्ची को भेजा इस गाना गवाने वालों को, और आप देखना बहुत जल्द आईना मैम की जगह भी किसी को भेज देंगे। बेटा, आप ठीक हो? नहीं, मेरे पैर में ना पहले से ही चोट लगी है और अभी ना फिर से और ज्यादा दर्द हो रहा है। ये आवाज, अब मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ बेटा, मैं लेके चलता हूँ। आज आज जो बात आपके गानों में ना वो किसी के गानों में नहीं है। रियली सर, सीरियसली अमेजिंग। हाई, आई एम दीपिका, यू कैन कॉल मी दीपी। वैसे सरनेम मेरा जोशी है, बट केतान भी सूट करेगा, आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, उसने मुझे इग्नोर किया? लाइक रियली? ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ। लोग मुझे देखते ही फॉलो करने लगते हैं, ही इग्नोर्ड मी, स्ट्रेंज। आर्ची, आपने आर्ची को देखा? अरे तेरे साथी थी ना बैकस्टेज में? वहाँ पहले थी, अब नहीं ना, तुमने देखा गचक? नहीं। तू जरा जा गचक ढूंढ उसे। हाँ, मैं देख गया था। माँ, वो जो औरत बच्ची की तस्वीर लेके घर आई थी ना, वो यहाँ भी है। क्या?
कहीं वो हमारी आर्ची को लेके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चल हम उसे ढूंढते और जैसे ही मिलती है उसे लेके घर जाते। माँ आप यहाँ देखिए, यहाँ देखता मिलिंद, क्या हो गया? क्या हुआ? ये बच्ची कौन है? अरे ये कैसे हो गया? आओ अंदर आओ। ले जाइए प्लीज सर। देखते हैं पैर में चोट लगी उसकी। कितना गंदा हो गया है। वो एक्चुअली मैं फोन कॉल अटेंड कर रहा था, देखा वही बच्ची पीओपी में गिरी हुई है और नहीं पैर में चोट लगी हुई थी, कहीं जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा मेडिकल रूम ले जाता हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? रो रही होगी बच्ची। नहीं स्ट्रेंज रो रही नहीं थी, इनफैक्ट बहुत बहादुर बच्ची है मुझे लगता है। खुद ही मुझे कहने लगी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं मुझे पहली बार ऐसा हुआ जो तुम्हें महसूस होता था। तुम कहती थी ना कि तुम्हें चीकू की आवाज़ सुनाई देती है, वो दिखाई देती है। आज मुझे इस बच्चे की आवाज़ सुनकर ऐसे लगा कि शायद मैंने चीकू की आवाज़ सुनी है, और जब इसका हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने चीकू का हाथ पकड़ लिया है। लेकिन खैर वो पता नहीं कौन है। उसके पेरेंट्स पता नहीं कौन है, कहाँ पर है। फिर तो मिलिंद हमें एटलीस्ट सब तक यही रहना चाहिए जब तक उसके पेरेंट्स या कोई आ नहीं जाता है। हाँ इंतजार करते हैं। कह रहे हो बेटा आपका नाम क्या है? आची। नाइस नेम। आप यहाँ पर किसके साथ आए हो बेटा? किसी के साथ नहीं। पर वो जो बाहर खड़े वो तुम्हारे मम्मी पापा है ना? मैं बुला कर लाती हूँ उन्हें। नहीं वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा तो समीर खेतान है जो अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी ना उनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया होगा तो वो आ जाएंगे मुझे लेने अपने आप। पर बेटा आपके डैडी को मालूम है कि आपको चोट लगी है? डोंट वरी, मैं अभी बुलवा देती हूँ आपके डैडी को। सिस्टर प्लीज। पर पापा के आने से पहले मुझे वो अंकल को ना थैंक यू बोलना है जो मुझे यहाँ पर लेकर आए। उन्हें बुला दोगी प्लीज? श्योर बेटा, सो स्वीट ऑफ यू। अभी बुलाती हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी सर, वो बच्ची आपसे मिलना चाहती है। कैसी है वो? अभी अभी ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उसे? डोंट वरी मैम, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। आइए प्लीज। बच्ची क्या है? मेरी मेरी बच्ची का पापा। बेटा आप ठीक हो? बेटा आप ठीक हो? बेटा डोंट वरी शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी तो मैंने फर्स्ट एड दे दिया है, पर जो इसकी पहले वाली इंजरी है ना उसके लिए आपको रेगुलरली फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ जी वो तो हम करवा लेंगे, थैंक यू। आप जरा देखिए ये ठीक है, फाइनल चेकअप कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे टकरा गया वो बच्चे के लिए। आई वाज रियली कंसर्न, बहुत घबरा गया था मैं। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड। वो बच्चे की चिंता क्या होती है हम समझ सकते हैं। एनीवे आई एम मिलिंद जोशी। समीर केदार, नाइस टू मीट यू। प्लेजर। मेरी माँ इंतजार कर रही नीचे, वो अपनी पोती को लेकर बहुत घबराई हुई, सो शी इज रियली वरीड। बहुत अमेजिंग इवेंट था ना आज का। हाँ मुझे भी ना बहुत मजा आया उस इवेंट में जाके। बहुत अच्छा गाता है वो। एक टाइम पे तो मेरा भी फेवरेट सिंगर हुआ करता था। अच्छा फिर तुम जब मिले तो बताया क्यों नहीं उन्हें? मौका ही कुछ ऐसा नहीं था, तुम तो जानती हो फिर क्या बोलते उस समय। अब तो मिलना जुलना होता रहेगा भैया, कभी भी बोल देना। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? तूने देखा नहीं, ऐसे इग्नोर कर रहा था तुझे, तेरी बात ही नहीं सुन रहा था, तेरी तरफ देख ही भी नहीं रहा था। अरे ताई वो उसने सुना नहीं होगा। सुना तो सब था मामी, पर कोई बात नहीं, पहली गलती इंसान की माफ कर देनी चाहिए। नहीं कोई जरूरत नहीं। देख दीपू तू भूल जा उसके बारे में, देखा नहीं तूने कैसे लड़कियां पागल हो रही थी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। माँ जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो ना
उससे शादी करने में जो थ्रिल है वो किसी ऐसे वैसे में नहीं है। फैसला मैं कर चुकी हूँ कि शादी मैं इसी से करूंगी। आज इग्नोर किया है बट दोबारा नहीं कर पाएगा। वैसे काफी डिसेंट और केयरिंग लगा मुझे तो, आई मीन अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? हाँ डिसेंट तो है वैसे। आज हम उसकी बेटी से भी मिले और जिस तरह से अपनी बेटी को लेके वो परेशान हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से काफी जुड़ा हुआ है वो। यू राइट। बेटी? बेटी? आराम से आओ। ठीक है अभी? गजक बेटा, आरजी के लिए शरबत लेके आओ ठंडा ठंडा, और मेरे लिए चाय अदरक वाली। समीर आप खिलाओगे? कॉफी। आपको कुछ खाना है? नहीं। अभी दर्द हो रहा है? याद है ना वहां पे डॉक्टर आंटी ने क्या कहा था, आपके लिए फिजियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आज से आप एक भी सेशन मिस नहीं करोगे। हाँ पापा, अभी आप ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। आपको पता है आप ना बहुत अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा गा रहे थे ना कि सब लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। एक सेकंड के लिए भी ना किसी ने ताली बंद नहीं की। सब लोग आपको गाते हुए देख कर ना इतना खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे कि पूछो ही मत। अरे ये तो कुछ नहीं, जब तेरे पापा गाना गाते थे ना लोग पागल हो जाया करते थे, और कभी कभी तो उनकी गाड़ी के पीछे घर तक आ जाया करते थे। सच्ची में? बेटा आपने तो पूरी परफॉर्मेंस देखी नहीं, कहाँ चले गए थे आप? नहीं मैंने देखी ना, पहले उधर खड़े रह के देखी, फिर पैर में ना बहुत पेन होने लगा था, इसके लिए साइड में बैठ कर देखी। मेरे पापा का परफॉर्मेंस था, ऐसे कैसे मिस कर दी थी। वैसे भी पिछले वाले तो बहुत सारे मुझे याद भी नहीं है, ये वाला परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल था, इसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। पता है मुझे बहुत खुशी हो रही थी आपको आपको गाते हुए देख कर। गॉड आपने मुझे सबसे अच्छे पापा दिए, और आपने हमें सबसे प्यारा बच्चा दिया। थैंक यू गॉड। मैं भी ना, मैं वो अंकल को थैंक यू बोलना तो भूल ही गई। कौन से अंकल? वही जो बाहर खड़े थे और जब मैं डॉक्टर आंटी के साथ अंदर थी। अंकल ने तो मेरी हेल्प की थी ना, वो ना मुझे उन्होंने बचाया था। मैं गिर गई थी वहाँ पर, तब उन्होंने मेरी हेल्प की और वही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मैंने कहा भी था डॉक्टर आंटी को उन्हें बुला दो ना प्लीज, पर वो अंदर आए ही नहीं। पापा मुझे ना उन्हें थैंक यू बोलना है, आप प्लीज उन्हें बुला दोगे? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।